हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफिकली किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हुए किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यदि हमें पता हो तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैटर्न लाइक 2 डिग्री के जो ग्राफ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत आसानी से जो है वो उस तरीके के ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जैसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर दूसरा जो ग्राफ है वो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है उसमें भी मैं वैल्यूज पुट कर लूं पहले और फिर देखूं ग्राफ बना के। तो x और y की वैल्यूज के लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। इसमें x की वैल्यू यदि मैं 0 लूंगा तो y की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 स्क्वायर, दैट इज 0। 1 पुट करने से x की जगह 1 पुट करेंगे तो y भी कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस 1 पे भी 1 आएगा। इवन यदि आप 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा और माइनस 2 पुट करने से भी x की जगह पे 4 मिलने वाला है। तो इनको क्या कर लेते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ यदि मैं x एक्सिस और y एक्सिस लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यूज लेते हैं और इधर y एक्सिस पे y की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं जी हम लोग। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 0 x 0 है तो y भी 0 है। यहाँ पे पहले मैं 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 ले लेता हूँ, इधर 1 2 3 4 ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 पे भी क्या है, y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कहाँ हो जाती है, 4। तो ये रहा 4, तो 2 के जस्ट सामने ऊपर यहाँ पे 2,4 होगा और -2,4 कहाँ होगा, x यदि -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप देख रहे होंगे कि यदि हम इस पैटर्न को एक बार तो मिला देते हैं तो किस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा, ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऊपर की तरफ ओपन है, जैसे आप देखिए जो ऊपर की तरफ ओपन है तो इसको अपवर्ड पैराबोला कहते हैं हम लोग। तो हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यदि बनाना होगा तो कैसा होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला। वहीं पे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप टेबल बनाओगे तो x और y की वैल्यूज ले लेते हैं, तो 0 पे तो अभी भी 0 आएगा बट 1 पे इसकी वैल्यू -1 पे भी यदि इसके अंदर x की जगह -1 पुट करेंगे तो भी -1। 2 पे आपको दिखेगा -4 एंड -2 पुट करने से भी -4। तो एक बार इसको भी प्लॉट कर लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो 0 पे 0 है, 1 2 3, -1 -2 -1 -2 -3 -4। यहाँ पे यदि मैं देखूं तो 0 पे 0, 1 पे कितना है, -1, -1 पे भी कितना है, -1, 2 पे -4, -2 पे -4। इसको फिर से मिलाते हैं और कुछ इस तरीके का हमें शेप मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से पैराबोला ही है, ठीक है ना। तो ये लेकिन आप देखोगे तो नीचे की तरफ ओपन है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो अब स्टार्ट करते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला है ये, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, वो नीचे की तरफ ओपन है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। यदि हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, जैसे मान लीजिए, तो क्या मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं क्या? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी ग्राफ को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो बना हुआ है, पता है हमें किस तरीके से होता है, पैराबोलिक होता है, जो भी शेप है उसको 1 से क्या कर देना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। प्लस 1 यदि हो तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, वहीं पे यदि माइनस में जो भी नंबर होगा उतना ही नीचे की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 ऊपर शिफ्ट कर देंगे।
वहीं पे यदि हमें -1 का ग्राफ बनाना होगा तो इसी सेम ग्राफ को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ को, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसको 1 नीचे शिफ्ट कर देना है। तो आप देखोगे कि ये जो शेप है वो इस तरीके का बनता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो इसका मतलब पता चला हमें कि यदि हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है उसमें जितना भी नंबर ऐड होगा, पॉजिटिव नंबर यदि ऐड होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, और यदि निगेटिव नंबर है तो वो एक नीचे शिफ्ट होगा, है ना। -1 यदि है तो 1 नीचे शिफ्ट होगा। 2 यदि ऐड है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो 2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यदि 2 एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ बनाना है तो 2 नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। डाउनवर्ड पैराबोला में भी यदि मान लीजिए -x² + 1 हो तब आप कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो इसी ग्राफ को 1 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। मान लीजिए ये 1 है तो इसको ऊपर की तरफ 1 शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का शेप दिखेगा। तो दैट इज y इक्वल टू x² + 1। वहीं पे यदि x² - 1 का ग्राफ बनाना हो तो इसको हम y इक्वल टू x² - 1 कहेंगे, क्योंकि ये -1 से हमने 1 नीचे इसको शिफ्ट कर दिया है। तो ये है हमारा शिफ्टिंग के तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जितना भी नंबर ऐड रहेगा उतना हम ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देंगे साइन देखते हुए, ठीक। जैसा कि अभी बताया कि ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये है y इक्वल टू -x² का ग्राफ। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर के साथ ही कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यदि हम इसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो ग्राफ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि कम वैल्यूज के लिए ही ज्यादा आउटकम आने लग जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो आप डायरेक्टली y इक्वल टू 2x² का ग्राफ कैसे बनाओगे, इसी सेम ग्राफ को क्या करोगे, आप श्रिंक कर दोगे, ठीक है ना। 2x² का ग्राफ बन गया, तो पैराबोला को ही श्रिंक कर देना है, ठीक है ना। तो जितना भी बड़ा ज्यादा नंबर होगा, जैसे यहाँ 2 है, 3 यदि होगा तो और जो है वो श्रिंक हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, यदि हम इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर जो कि 0 से 1 के बीच का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया, तो इस ग्राफ को मैं कहूंगा y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बन गया कि किसी भी ग्राफ को यदि हमें पता हो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता हो, या y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उसका ग्राफ यदि हमें पता है, तो उसमें यदि हम उसी एक्स के अंदर या एक्स में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें यदि हम एक नंबर 1 से बड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राफ श्रिंक हो जाता है वाई एक्सिस की तरफ, और यदि छोटा नंबर 0 से 1 के बीच का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सब नहीं होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब मैंने 1 से बड़ा नंबर किया है, तो यदि ये वाई इक्वल टू -x² का ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, तो वाई इक्वल टू -2x² का ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर यदि हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये वाई इक्वल टू -1/2x² का ग्राफ हो जाएगा। एक नेक्स्ट और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है। सपोज मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया y इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर। एक्चुअली ये आप देखोगे तो x² + 2x + 1 है, लाइक एकदम बिल्कुल क्वाड्रेटिक अब दिख रहा होगा आपको, ax² + bx + c टाइप का, है ना। तो यहाँ पे x² + 2x + 1 का हमें ग्राफ बनाना है सपोज, लेकिन इसको यदि आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ही ट्रांसफॉर्म करके कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा नंबर इसमें ऐड है, +1 है इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं इधर -1, है ना, इधर 1 होगा इधर -1 होगा, इस पूरे ग्राफ को 1 से लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है ना। इस पूरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को क्या करेंगे, ओरिजिन पे से अभी पास हो रहा है ये वाला पॉइंट, इसको 1 से इधर ले आना है। तो आप देखोगे कि इस तरीके का जो ग्राफ है वो आपको मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। मतलब जितना नंबर यहाँ पे आप देखोगे ना, +1 है जैसे, तो 1 पीछे शिफ्ट करा हमने इधर की तरफ लेफ्ट साइड में ओरिजिन के,
प्लस टू होगा तो टू लेफ्ट साइड, है ना। तो ये एक तरीका हो गया ट्रांसफॉर्म करने का, क्योंकि हमें एक ग्राफ पता है, हम दूसरा ग्राफ पा रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ -1 होगा, ठीक है ना। वाई इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, जिसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर -2x+1। तो इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, उसको 1 से राइट साइड शिफ्ट करोगे। पिछली बार लेफ्ट किया था हमने जब +1 था, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है, जैसे आप देखिए अब इसमें कितना पुट करने से ये 0 होगा, एक्स की जगह कौन सा नंबर पुट करने से 0 होगा, 1। तो इसका मतलब 1 पे वाई की वैल्यू 0 हो जा रही है, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 0 हो जा रहा है। इसलिए क्या करना है, इसी ग्राफ को वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है उसको 1 से इधर की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो नया ग्राफ हमने देखा है ये वाला, एक्चुअली इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये जो नया ग्राफ है वो किसका है, वाई इक्वल टू एक्स -1 होल स्क्वायर का है। तो इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया लग जाता है कि यदि हम +1 करेंगे तो 1 पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, -1 करेंगे तो प्लस आगे की तरफ 1 शिफ्ट होता है। उसी तरीके से 2 शिफ्ट करो, 3 शिफ्ट करो, जितना भी है आपको +2 है या तो -2 है, अकॉर्डिंगली 2 शिफ्ट होगा या तो 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ये तरीका यहाँ पे जैसे हमें y इक्वल टू -x² का ग्राफ गिवन है, लेकिन यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो -x+1 का होल स्क्वायर। अभी पहले क्या था, -x², अब मैंने क्या किया यहाँ पे -x+1 होल स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे प्लॉट करोगे, ये y इक्वल टू -x² का आप ग्राफ देख रहे हो ना, इसको ही 1 से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, वाई इक्वल टू -x+1 का होल स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि शिफ्टिंग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से हम शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे आप किसी भी तरीके का कोई भी ग्राफ यदि आपको प्लॉट करना हो तो आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है, एक तो y इक्वल टू 2x² + 3 का, एंड दूसरा हमने मैंने लिया है y इक्वल टू -2x² - 5 का। तो इसको जो है ना हम तुरंत बिना कुछ टाइम लगाए हुए प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, ये देखेंगे इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, अपवर्ड पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर के जैसा ही होगा, ऊपर की तरफ ओपन, लेकिन ये थोड़ा सा श्रिंक्ड होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा श्रिंक होगा, उसको 3 ऊपर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा श्रिंक बनाकर बनाते हुए रफ स्केच कर रहे हैं हम लोग, और ये कहाँ से पास होने वाला है, 0 पे 3 से पास होने वाला है। तो ये हो गया वाई इक्वल टू 2x² + 3। एक्स स्क्वायर यदि मान लीजिए थोड़ा सा जो है वो इधर से पास हो रहा है, तो ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई करा है। हम एक तरीके से शेप बता पा रहे हैं, रफ स्केच बना रहे हैं, ठीक है ना। यहीं पे ये जो है ना वाई इक्वल टू -2x² - 5 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो जैसा कि आप जानते हैं माइनस लगा हुआ है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा श्रिंक रहेगा, लेकिन ये कहाँ से पास होगा, 5 नीचे से, ओरिजिन पे इसकी ये -5 से इस तरीके से जो है वो पास होने वाला है, और थोड़ा श्रिंक रहने वाला है एक्स स्क्वायर के कंपेयर में। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये 1, 2, 3, 4 ये 5 है, मान लीजिए ओरिजिन है ये। इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा उसको हम कहेंगे वाई इक्वल टू 2x² - 5 का ग्राफ है। तो एक तरीके से हम लोग उसका रफ रफली जो है वो स्केच बना पा रहे हैं। तो ये तरीका है इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और इसी तरीके से हम कोई भी ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ है जिसका हमें पता है कि ये fx फंक्शन का ग्राफ है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये है y इक्वल टू fx, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, है ना, इस तरीके से मान लीजिए, है ना, ये 0, ये 2 से पास हो रहा है, 3 से पास हो रहा है, इस तरीके का एक फंक्शन है जिसको हम y इक्वल टू fx का मतलब अभी आप ये समझ लीजिए कि x में कोई एक एक्सप्रेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर को भी हम एफ एक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसके अंदर हमें प्लॉट करना है, मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ, है ना, तो हम कुछ
इसके अंदर जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इस पूरे ग्राफ को वन से ही शिफ्ट करेंगे। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे कैसा ग्राफ आप प्लॉट करोगे, वन से शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये -1, यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये वन शिफ्ट होगा तो कैसा हो जाएगा, वन मतलब ये उस 0 पे चला जाएगा, ये जो इसकी वैल्यू -1 थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, और फिर हर वैल्यूज 1 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। कितने से इसको हमने शिफ्ट कर दिया, 1 से शिफ्ट कर दिया। वहीं पे यदि हम y इक्वल टू fx -1 करें तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो 1 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी 2 से पास हो रहा था, अभी इधर की तरफ करेंगे तो ये पूरा का जो पूरा ग्राफ है वो अब कहाँ से जाएगा, 0 से जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, -2 पे चली जाएगी, ठीक है। और फिर इस तरीके से तो ये ग्राफ जो है वो हो गया आपका fx -1 का। तो इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम किसी भी फंक्शंस के अंदर कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सेम ही ग्राफ में बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन है, सेम ही ग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए -1 है, ये 2, ये 3, ये 1 है ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। मान लीजिए मुझे y इक्वल टू एफ एक्स +1 का ग्राफ बनाना है, ये 2 से जा रहा है, और मान लीजिए ये जो है वो सपोज -2 है, ठीक है ना। मान लेते हैं -3 लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि इधर की तरफ है इसलिए। तो जैसे ही मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स के अंदर जहां पे भी एक्स था ना वहां की जगह एक्स प्लस वन यदि हो उस पूरे एक्सप्रेशन में, जैसे एक्स स्क्वायर था वहां पे मैंने एक्स प्लस वन स्क्वायर कर दिया था, तो वो पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो किधर की तरफ, वन जो है प्लस वन है ना, इसलिए वन जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब सेम ग्राफ सेम तरीके से ही बनाना है। इस बार कहां से ये शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे होंगे आप, वन से शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहां से जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू जैसे मान लीजिए अब जो वैल्यू हमें 0 पे मिल रही थी वो -1 पे ही अटेन हो जाएगी, मतलब ये जो है ना ये यहीं पे आ जाएगा। और साथ ही साथ ये ग्राफ कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, पहले 2 पे जाके इसको कट कर रहा था, अब ये इधर ही कट करेगा, पहले 3 पे कट कर रहा था है ना, दिख रहा था आपको। ये मान लीजिए इसको थोड़ा मैं 4 लिख लेता हूँ, तो एक पीछे पीछे शिफ्ट करने लग जाएगा, ठीक है ना, रहेगा सेम शेप का रहेगा लेकिन पीछे पीछे जाने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है वो इसी के जैसा वन पीछे से जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो ग्राफ है उसी को प्लॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली उसका एक्सप्रेशन देखते हुए, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। अब हम बात कर रहे हैं अभी इसी के अंदर, मान लीजिए ये मैं हटा देता हूं, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। मान लीजिए मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ -x, मतलब x की जगह यदि -x हो उसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू एफ ऑफ -x मतलब x यदि में कोई एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह -x हो, तो क्या करना है आपको, ये जो ग्राफ है ना, इधर वाला जो ग्राफ है इतना पार्ट ये इधर बनेगा, ठीक है ना, मतलब मिरर इमेज की तरह बनेगा, और ये जो है ये जो पूरा पार्ट है वो इस साइड बनाओगे आप। तो आपको जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कैसा बनेगा, देखिए ये वाला पार्ट का जो मिरर इमेज होगा वो इस साइड बनेगा, और इधर का वाला पार्ट का मिरर इमेज इधर बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि -x हो रहा है मतलब निगेटिव पे, पॉजिटिव पे जो वैल्यू दे रहा था वो अब निगेटिव के लिए देगा, और जो निगेटिव पे वैल्यू दे रहा था वो पॉजिटिव के लिए देगा। तो इसके जैसा मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, 2, 4, तो -2 -4 इस तरीके से जाएगा, और ये ग्राफ देखिए ऐसे, ठीक इसी के जैसा आपको दिख रहा होगा इधर, और इधर कैसा था, इधर था इस तरीके से, है ना। तो इधर जो बनेगा वो सिंपली ऐसा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मिरर इमेज। पहले जो ग्राफ था ना, पहले जो ग्राफ था वो इस तरीके से था, इस साइड में इधर ऐसे था, अब आपको पिछले वाले ग्राफ पे मिरर इमेज जैसा दिख रहा होगा, वाई इक्वल टू ये जो y एक्सिस है उस पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम
ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं और भी, क्योंकि ये तो मैं जो बता रहा हूँ वो तो एक बेसिक चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी सीखने के लिए है। तो इसके लिए ना पूरी एक बुक आती है, ठीक है ना, पूरी की पूरी एक बुक जो है वो आती है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप वहां से सीख सकते हैं। तो वो जो बुक है वो बहुत पॉपुलर बुक है, उसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि आप, क्योंकि 11th 12th में जब आप आते हैं तो आपको ग्राफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो बुक यदि हो सके तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उस बुक का जो नाम है वो ये है, प्लेइंग विथ ग्राफ्स, और ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है ना। इसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफ्स के अंदर जो है, क्योंकि अभी तो जो मैंने बताया है वो बेसिक बेसिक ग्राफ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत सारे अलग अलग जो आप सीखेंगे। अब 11th 12th में साइन एक्स कॉस एक्स का भी ग्राफ बनता है, लॉग का भी ग्राफ बनता है, तो इस तरीके के सारे जो है वो इसमें गिवन है, ठीक है ना। यहाँ से आप सीख सकते हैं उस चीजों को। कुछ चीजें और बतानी थी मुझे, जैसे मान लीजिए वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो यदि आप प्लॉट करोगे ना, तो देखिए यहाँ पे 0 x y, जैसे 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 1 हो जाएगा, 2 पे 8, -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 वैल्यूज पुट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो आप देखेंगे कि 0 पे 0, 1 पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1, 2 पे लेकिन बहुत ऊंचा चला जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे -1 पे -1 रहने वाला है, और -2 पे फिर इसी तरीके से बहुत नीचे यहाँ पे -8 पे चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं ना, तो आपको इस तरीके का शेप जो है वो मिलता है। तो ये है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो ये हो गया, क्या मैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब +1 का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। +1 करूंगा तो +1 में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे बना देना। ये हो गया हमारा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब +1। इसी को यदि हम सेम ग्राफ को 1 नीचे कर देंगे तो वो हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यूब -1। यहीं पे यदि वाई इक्वल टू एक्स +1 का होल क्यूब होता तो क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से होता है ना, इसी को 1 से पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना है, समझ रहे हैं बात, इस तरीके से। इस बार ये जो ग्राफ है ना, ये जो पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। पहले क्या कर रहे थे, ऊंचा कर रहे थे, ये पॉइंट यहाँ आ रहा था, अब नहीं होगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, समझ के बाद यहीं से उठना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा तब, जब आप यहां से देखेंगे तो यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ गया है, इसमें ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये इधर की तरफ पहले आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स +1 होल क्यूब। -1 होगा तो उसी तरीके से राइट शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा ऐसा ग्राफ है जो हम इसको डायरेक्ट शिफ्टिंग करके नहीं सीख सकते। उसके लिए जैसे मान लीजिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x+6 का, तो अब तो ये ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे पहले मैं x +1 होल स्क्वायर लिख सकता था तो वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो इसका ग्रुप ग्राफ कैसे बनाए, तो इसके लिए हमें रूट्स निकालना पड़ता है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, यदि आपको ये पता है तो ये ग्राफ बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि यदि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव है, जैसे इस केस में 1 मल्टीप्लाई है तो दैट इज पॉजिटिव नंबर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, है ना, ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही ये ग्राफ बनते हैं, हम बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यूज लेते हैं, तो हमें ये पता करना होता है कि वाई किस एक्स की वैल्यूज के लिए जीरो हुआ है ना, वाई किस जगह जीरो हुआ है। जैसे एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ ने कहाँ कट किया है, तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं सबसे पहले वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स। वाई कितना है, एक्स स्क्वायर -5x+6 है, इसको जीरो के बराबर पुट करना है। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर -2x -3x, फैक्टर करना
आना चाहिए। माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स भी होता है, और प्लस करने से माइनस फाइव भी आना चाहिए। ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू टू कॉमा थ्री, है ना। दो रूट्स हैं इसके, इसका मतलब ये पूरा का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। दो रूट्स हैं इसके, टू एंड थ्री। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये y की वैल्यू जो है वो जीरो कहाँ हुई है, टू पे हुई है, जब x का वैल्यू टू है और y का वैल्यू कितना है, थ्री है। तो इसका जो रूट्स है, इसकी जो वैल्यू है y वैल्यू, वो जीरो हो गई है। एक चीज और देख लेते हैं कि यदि हम इसमें x का वैल्यू जीरो पुट करें तो y कितना आएगा। तो आप देखिए, जीरो पुट करने से जीरो स्क्वायर माइनस फाइव इंटू जीरो प्लस सिक्स, तो y सिक्स आएगा। तो जीरो पे जो है y की वैल्यू सिक्स पे, मतलब यहां से जा रही है, और अपवर्ड पैराबोला है इसका ग्राफ, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक अपवर्ड पैराबोला है। तो आप डायरेक्टली जो है वो एक रफ स्केच प्लॉट कर सकते हैं, जीरो कॉमा सिक्स से, जीरो कॉमा सिक्स ये पॉइंट रहा, यहां से पास होने वाला टू कॉमा जीरो, एंड थ्री कॉमा जीरो से पास होने वाला एक पैराबोला जो है वो आप बना देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात इस तरीके से। ये क्या है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ है। लेकिन जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने इसके रूट्स निकाले हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके रूट्स जितनी तेजी से आप निकाल सकते हैं उतना ही तेजी से आप इसका ग्राफ का रफ स्केच प्लॉट कर सकते हैं। तो वही मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में कि क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स बहुत जल्दी कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हमें सॉल्व करना आता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के हम ग्राफ भी बना सकते हैं रूट्स देख करके, और वहीं से अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसका साइन देख करके, कि पॉजिटिव है तो अपवर्ड और निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं क्वेश्चन लिया हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो है। इसको हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। रूट्स तो कैसे, जल्दी कैसे निकालते हैं, देखिए थ्री को आप लिख लीजिए वन इंटू थ्री, है ना, और फिफ्टीन को आप क्या लिख सकते हो, थ्री इंटू फाइव, इस तरीके से लिख लेना है। अब देखना है यहाँ पे ये है कि हमें फोर कैसे मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन, और वन इंटू फाइव करेंगे तो फाइव, वन और फाइव को एक साथ रखिए, और नाइन माइनस फाइव करने से फोर आ जाएगा, ठीक। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे इसी तरीके से नाइन और फाइव को लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स। तो नाइन माइनस फाइव कितना होता है, फोर होता है, और नाइन इंटू माइनस फाइव करने से हमारा माइनस फोर्टी फाइव भी आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, और इसके बाद बहुत आसान हो जाता है, यहां से तो आपको डायरेक्टली रूट्स दिखने भी लग जाते हैं। थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, तो एक रूट तो माइनस थ्री हो गया, और दूसरा यदि हम कहेंगे तो फाइव बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से एक रूट हो गया, एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री, और दूसरा कितना हो जाएगा, फाइव बाई थ्री। तो ये सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए इसको कितनी तेजी से करना है, हमको बहुत फास्ट करना है कैलकुलेशन, जिससे हमारा तेज हो, हम रूट्स जल्दी निकाल सके। तो इसका रूट देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री इंटू टू इंटू टू लिख सकता हूँ, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व होता है, और इसको लिख सकता हूँ सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वन चाहिए, तो सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, एंड फोर इंटू फाइव करने से ट्वेंटी। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिख सकते हैं, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, यहाँ चाहिए मुझे माइनस एक्स, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये यहाँ से हम देख रहे हैं कि थ्री एक्स कॉमन आ रहा है फिर से, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस सेवन, और यहां से हम फाइव कॉमन लें तो फोर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक तो सेवन बाय फोर, और दूसरी माइनस फाइव बाय थ्री। तो जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये दो प्रॉब्लम है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों प्रॉब्लम सिमिलरली ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है एक तरीका, जिससे कि आप हिट एंड ट्रायल करते हुए देख सकते हैं कि किसमें हमको लेना है, और जिस तरीके से अब देखिए अभी मैंने क्वाड्रेटिक का सॉल्व किया, उसी तरीके से मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x + 20 = 0। कैसे इसको रूट्स निकालते हुए इसका ग्राफ बहुत इजीली कैसे हमें प्लॉट करना है। तो इस सबसे पहले यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करते हैं, -1 + 1 - 2 या तो +2, इन चारों में से कोई भी वैल्यू पुट करके देखना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1 पुट करने का तो इसमें फायदा है नहीं, सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो 0 होगा नहीं। -1 सब यदि हम इसके अंदर पुट करें तो देखिए -1³ + 13 - -1² + 32 - 1 + 20 कितना होगा, ये -1, ये 13 - 1² + 13 ही रहेगा, -32 + 20, 20 + 13 = 33, -33 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो सबसे पहले ये देखना है, तो इसका एक रूट जो है वो -1 है। इसका मतलब यदि मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये x + 1 × कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्यूबिक है तो x + 1 से डिवाइड करने से कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए। तो x + 1 तो इसका एक रूट एक फैक्टर होगा, क्योंकि -1 पुट करने से ये 0 हो गया। लेकिन बाकी जो ये क्वाड्रेटिक है वो कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ -1 लिख लीजिए, तो बाकी यहाँ पे 1, 13 ये सब लिख रहा हूँ, 1 x³ के साथ 1 × 13, 32 और 20, ठीक है। इस 1 को जस्ट नीचे यहाँ लिख दीजिए, और अब क्या करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, -1 आएगा, यहाँ लिख देना है, और 13 में से 1 इनको ऐड करना है, मतलब 13 + -1 = 12 यहाँ लिख देना है। फिर इसको क्या करना है, -1 से ही मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखना है, ऐड करके लिखना है, तो 32 - 12 कितना हो गया, 20। इसी -1 को यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ -1 को, तो -20 ये कितना आ गया, 0। ये जो 1, 12 और 20 आया है ना, वो यहाँ लिख देना है, x² के साथ 1 मल्टीप्लाई रहेगा +12x + 20 = 0। मतलब ये पूरा का पूरा क्यूबिक इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये तरीका है, ठीक है ना। इसी तरीके को हम इस क्वेश्चन में भी निकालते हुए सॉल्व कर देते हैं, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ की जहां तक बात है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे इसको पूरा फैक्टराइज करना होगा। तो x + 1 इसको लिख रहा हूं, और यहाँ पे 12x है, तो 20 को जैसे हम 10 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 10 + 2 12 भी होता है, तो इसको x² + 10x + 2x + 20 = 0 लिखते हुए फैक्टर कर लेते हैं, रूट्स निकाल रहे हैं, दैट मीन्स तो ये हो जाएगा x × x + 10 + 2 × x + 10 = 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x + 1 × x + 2 × x + 10। तो x की 3 वैल्यू आ गई, -1 - 2 - 10, ये हमारा रूट्स हो गया। अब हम किस तरीके से इनका वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, -1 - 2 - 10। इसमें देख लेना है कि x³ का कोफिशियंट क्या है, यदि ये पॉजिटिव है तब जो ग्राफ बनेगा वो आपको मैं बता रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो ग्राफ बनाएंगे, एक बार को इधर हटा देता हूं, यहां से यहां पे ग्राफ बना लेते हैं, -1 - 2 और -10 ये रूट्स थे इसके। जैसे ही आप देखोगे कि x³ के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो यदि पॉजिटिव है तो नीचे से, पॉजिटिव है तो नीचे से ग्राफ ऊपर ले जाना है, फिर इसी तरीके से जहां जहां 0 हुआ है वहां पे नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है, यहाँ यहाँ 0 हुआ है ना, इसलिए ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ नीचे, और इस तरीके से, ठीक है ना। ये ग्राफ आप प्लॉट कर दोगे, ये किसका ग्राफ है, y = x³ + 13x² + 32x + 20 = 0 का ग्राफ है। ये जो नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा था, ये असाइनमेंट की तरह लिख लीजिए, खुद से करना है। वहीं पे एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ax³ + bx² + cx + d इस तरीके का जो ग्राफ होता है, इसमें a यदि पॉजिटिव हो मतलब, तो नीचे से ऊपर जाते हुए ऐसे जाना है ग्राफ को, और वहीं पे यदि a यदि निगेटिव हो तो क्या करना है, ऊपर से नीचे और फिर इस तरीके से जाना है, ठीक है ना।
ये दो पॉसिबिलिटी हैं इस तरीके के ग्राफ के। तो ये क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इसी दो शेप में होता है, भले ही जरूरी नहीं है कि 3 बार ही एक्स एक्सिस में कट करें, कभी कभी इस तरीके का भी होता है। ये हटा देता हूँ फिर बताता हूँ, ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक बार नीचे से गया और इस तरीके से लहराते हुए ऊपर चला गया, या ऐसा भी पॉसिबल है। ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूँ, क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ को, ऊपर से इस तरीके से गया और ऐसे चला गया। तो ये सब पॉसिबिलिटी है किसके, क्यूबिक फंक्शन में। अब आते हैं 4 डिग्री का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ किस तरीके का होता है। तो जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + c, ये फंक्शन है। इसका जो भी ग्राफ होगा उसका शेप मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल शेप ही बता रहा हूँ बस, बाकी तो प्लॉट करना हम सीखेंगे क्लास 11-12 के अंदर, जो है वो हम सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एरिया ऑफ मैथ्स में जो है वो अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उस कंडीशन में जब आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरीके के ग्राफ को सीखते हैं। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो, ये यदि पॉजिटिव हो ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ग्राफ यहाँ ऊपर रहता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है और ये भी इन माइनस इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो बड़ा पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है निगेटिव में भी, तो ऊपर से रहता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से और ऐसे, ये ना डब्लू शेप का होता है, ठीक है ना, डब्लू शेप, एक डब्लू का शेप बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे यदि ए निगेटिव हो, यदि आपको ए निगेटिव होगा इस तरीके में, ए निगेटिव होगा तो उस केस में आपको एम शेप का ग्राफ दिखेगा, नीचे रहता है। ए निगेटिव होने से ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके का रहता है। तो ये इस तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं और इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर लॉगरिदम, लॉग फंक्शन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और कोई भी डाउट होने से आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।